अभी नहीं, हम दोनों जंगल में यहाँ पे जो ढूंढने आया था तो वो मिल गया है, जस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो ये रहा, आप लोगों को दिखा देते हैं, ये है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा यहाँ पे है। इसका पेड़ इस तरह से होता है, ये देखो पेड़ में ऐसे लगा हुआ है पत्ते में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो रहेगा जंगल के डेजिटल के बारे में। गाइस, मैं जंगल में आया हूँ सब्जी तोड़ने के लिए, तो आज जंगल में क्या क्या सब्जी मिलता है आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि जंगल में मुझको क्या क्या सब्जी मिल रहा है और क्या क्या लेके जाऊंगा जंगल से, तो वो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे वीडियो को। गाइस, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में और भी मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए, मेरे साथ में है आज नी दावा नरबू, तो वीडियो में देखते रहिएगा, मैं उसको मिलाऊंगा आपसे। तो वीडियो को आगे देखिए। तो ये है रास्ता यहाँ से अभी अभी हम लोग आए हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। देखो इस साइड से भी खाई है और बस देखिए इस तरफ से यहाँ से हैं, तो यहाँ से होते हुए ही हम आगे जाएंगे। और ये रहा नी दावा नरबू, तो यहाँ से होते हुए हम आगे जाएंगे और वहाँ से कहाँ से जाएंगे वो सबको आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा। तो आगे हम लीड करते हुए यही रास्ते से जंगल की ओर, जो कि यहाँ से नीचे को जाना है, यहाँ से पुराना रास्ता है। और ये रहा बाइक, तो रास्ते को आप देख लिया वहाँ पे कितना खतरनाक रास्ते से हम आए हैं, और जंगल में क्या होगा वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए, वहाँ भी देख मिथुन है। आप जंगल में जब भी आएगा तो यहाँ पे आपको मिथुन सिथुन बहुत सारा क्या क्या देखने मिलेगा। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा पता नहीं। देखिए यहाँ पे है, तो इनका इस तरह से है, तो ये खा जाता है इसको, ये बहुत कैसे होता है ये अच्छे से पक जाने से। कच्चा मर रहा हूँ, पता है ना जामुन उस टाइप का होता है। अच्छा वहाँ पे देखो बहुत सारा है, वहाँ पे उधर पे है दूर में बहुत सारा है दिखाने को। ये रहा अभी पक गया है, उस दिन भी दिखाया था आप लोगों को ये वाला, जो काफ़ी टेस्ट होता है, मीठा होता है, इसको खाया जाता है। तो इसका क्या नाम होता है साइंटिफिक नेम कोई नहीं जानता, मैं तो मतलब कुछ जानता होगा क्योंकि कोई मैं हम नहीं जानते, हमको पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, पर इसको खाया जाता है वो पता है हमको, क्योंकि जंगल में जब भी आते हैं कौन सा खाते कौन सा नहीं खाते फिर छोटा से मालूम हो गया ना, इसलिए अब जो छोटा से खाता है वो चीज़ को हम खाते हैं। इस तरह का काला काला जो हो गया ब्लैक रंग का हो जाता है इसको खाया जाता है, तो इसको आप खा सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, तो मैं इसको खा रहा हूँ अभी, नहीं कुछ नहीं है, ये अंदर से ले रखो इसे पूरा पका पका, इधर से आओ ना पका देता हूँ फोटो। तो मैं और दो चार तोड़ के लेके जाता हूँ, लेके जाएगा घर पे खाएगा टाइम पास। बहुत सारा तो गिर ही गया है, बहुत सारा खराब हो रहा है, और जो अच्छा है हमको तोड़ेगा और तोड़ के क्या करना है, खाना है और क्या करेगा। तो बस जो जितना दिख रहा है वो छोड़ देता हूँ, और जो जितना हाथ में है यहाँ पे है और उसके पास भी है काफ़ी है, और हम लोग जाएगा अभी नीचे की ओर, थोड़ी और दूर उस तरफ को जाना है जो पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे में होगा, वो जो पहाड़ है पहाड़ के नीचे तरफ में, उसके नीचे तरफ में जाएगा और वहाँ पे भी एक पेड़ था उस पेड़ से तोड़ के आप लोगों को दिखाएगा। टिल देन वीडियो में बने रहिएगा, साथ देखते रहिएगा, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। अभी हम लोग जंगल के अंदर घुस गए हैं,
तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए जंगल की ओर मैं आगे जा रहा हूँ और पीछे हम लोगों का नी आ रहा है। तो जंगल में जब जाते हो तो ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, चुपचाप जाना है। तो यही है जंगल का नियम। और जंगल में इधर उधर आँखें खुली रखना है और कान खुला रखना है, मतलब ये बंद नहीं कर सकते वही, लेकिन ध्यान से सुन के चलो, इधर उधर कुछ भी हो सकता है इसलिए, ठीक है। तो आपको आगे जाके मैं दिखाता हूँ और आगे जाके, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जंगल में। पहले वाला जंगल जो कैब का वीडियो था उसमें आपने देखा ही होगा कि पता नहीं चला था कि हाथी आगे था और हम लोगों को हाथी मिलने वाला था, मतलब कि लगभग लगभग हाथी हम लोग को मिल ही गया था। तो इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं करेगा, आप लोगों को बताते हुए, अगर जो वो वाला वीडियो नहीं दिखा है प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो को। और देखो गिलहरी 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 बम्बू में इतना स्पीड से जा रहे हैं रुई खा के, पता नहीं गिलहरी को क्या ज़रूरत होता है रुई लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे जो दुखा हुआ है वो जो, ठीक है आपको बाद में दिखाता हूँ। देखो नी को क्या मिला है, नी एक ये वाइल्ड जो मशरूम है, मशरूम पौधे की तरह उसका, इस तरह का मशरूम को आप वाइल्ड से तोड़कर खाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि पॉइजन हो सकता है। तो इस वाले रास्ते से हम लोग वापस जाएंगे, आगे चलता हूँ, आगे था हम लोग वहाँ पे, तो आगे चल के दिखाता हूँ। बहुत सारा लीची है यहाँ पे, तो आगे चलिए। ये रहा पानी, पानी में ये नाला आगे की ओर, नेचर का मज़ा लीजिए आप लोग, जो लोग नेचर से जुड़ा हुआ है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे वाइल्ड बर्ड भी बहुत सारा है और यहाँ पे नेचर ब्यूटी है, फ्लावर्स है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। और जो चीज़ हम लोग ढूंढने जा रहे हैं और आगे उसको मिलने के बाद में आप लोगों को बताऊँगा, मिलने के बाद में किस तरह से है। अब ये नाले से होते हुए ऊपर जाएंगे हम लोग, देखते रहिएगा जंगल बहुत ही सुंदर है। दूर दूर तक हर जगह में आपको मिथुन ही मिथुन दिखाई देगा और बर्ड्स जो कि चहचहाना सुना देगा आप लोगों को, देखिए फिर उड़ के जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि दे रहा पता नहीं, बहुत ही सुंदर है ये जगह देखिए, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा देर के बाद फिर से। बहुत ही ठंडा है ये जगह में, ये क्योंकि ये दो रास्ता वाला है, यहाँ पे दो रास्ता आ गया, दो नाले, मतलब कि दो नाला साइड आ गया, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ना। देखो दो नाला यहाँ से, एक नाला उस तरफ है और एक नाला इस तरफ है, हम लोग इधर को जाएगा नाला, पूरी साफ हो पानी। अगर आप लोगों को जंगल में आने का मन हो तो बिल्कुल आइएगा, पर शांत से चुपचाप आइएगा, कान खोले रखिएगा क्योंकि जंगल में आना बहुत ही खतरनाक होता है। नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है, नेचर किस तरह है उसका खूबसूरती का लुक दिखाइए। और आगे चलिए, जो हम लोग खाने वाला जो ढूंढने जा रहे हैं उसको आपको 10 दिन पहले 11 दिन पहले हमने बताया था, तो उसको ही अभी दिखाने ले जाएंगे। चलिए धोते धोते जो जो सब्ज़ी मिलता हो मैं आपको बताता हूँ। इस बीच में मुझे और एक सब्ज़ी मिल गया है, पर इसको लोकल भाषा में सिर्फ जानते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, तो अक्साब सब्ज़ी बोलते हैं, अक्साब अक्साब मीन्स लोकल लैंग्वेज में पता नहीं इस टाइप का होता है, जो इनका वाइट वाला फ्लावर भी होता है जब जो निकलता है तब। तो अभी तक इसका और तो पेड़ तो नहीं दिखा, जो जितना है यहाँ पर दिखाई दिया था तो मैंने इसको तोड़ लिया। तो ये भी बहुत ही टेस्टी होता है खाने के लिए, जो भी जितना भी जो मैं लोकल सब्ज़ी तोड़ रहा हूँ यहाँ पे जितना भी है, तो इसका ऊपर वाला जो साइड जो हिस्सा होता है तो उसी को ही सिर्फ तोड़ा जाता है। हाँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि किस किस तरह से होता है। पर जो भी हमारे यहाँ का लोकल वासी हैं, जो भी यहाँ पे लोकल पीपल हैं, उन लोगों को नहीं, क्योंकि उन लोग सबको सभी को तो आइडिया होता है, छोटा से सभी तो मालूम ही होता है कि किस तरह से होता है और क्या होता है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है।
मेरा ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि वाइल्ड में जो बाहर पे सर्वाइव नहीं किया, मतलब जो जंगल इतना गया नहीं है, जिसको पता नहीं है कि जंगल की सब्ज़ी के बारे में, तो उन लोगों के लिए है, ताकि जब जंगल में आए भी तो इस तरह का सब्ज़ी को पहचानिएगा। मैं अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ। ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, जिसका नाम कहता है कि ये ओइक सब्ज़ी, और जो कि बहुत ही कॉमन से, इसमें कुछ इतना मसाला डालना ज़रूरी नहीं होता है, जस्ट ये सिंपल से आप इसको बना सकते हैं नमक और ये ओइक सब्ज़ी के साथ में, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वेज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जो कि जिससे बताया था ओइक सब्ज़ी, तो इस तरह से अगर ओइक सब्ज़ी हो तो इसको हम लोग लेते हैं, तो एडवाइस है अगर जब इसको तोड़ेगा तो सिर्फ ये जो माथे के छोर है जिसमें नरम होता है, जो इस तरह से जो कोमल होता है, उसको ही सिर्फ तोड़ा जाता है, बाकी पूरा स्टीम जितना उसका लंबा होता है उससे उतना तोड़ना जरूरी है। तो जितना हो सकेगा माथे माटे जो पार्ट होता है जिसका सिर वाला होता है इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे चाय पत्ती तोड़ते हैं उसी तरह से, तो इसको तोड़ा जाता है, इसको कहते हैं ओइक सब्ज़ी, ठीक है। आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो प्लीज़ अगर आप इसको जानता हो कि इसको क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो देखते रहिएगा। सब कुछ तो बताते जा रहा हूँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, जिसके लिए जो जंगल में आए तो सावधानी की चीज़ के लिए रखना है, सावधानी इस चीज़ में रखना है कि जब भी आप जंगल में सब्ज़ी तोड़ रहा होगा तो तोड़ते हुए बीच बीच में अपने पेड़ को चेक करने के लिए मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लीच होता है, जो कि पॉसिबल है कि वो तो हमेशा ही रहेगा, कोई भी सीज़न में हो लीच तो रहता ही है जंगल में, जो रेनी सीज़न में होगा कि उसमें ज़्यादा रहता है, तो जब भी आपको मौका मिले तो अपना पाँव में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इग्नोर करना, अगर इग्नोर करने के बाद में कुछ देर के बाद में आप फिर जाके चेक करके आप उसको हटा सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पैर में आया तो नहीं है पर मैं जूता पहना था, जूता पहनने से क्या होता है कि अंदर घुस के जूते के अंदर घुस के काट लेते हैं, मतलब कि बहुत देर तक वहाँ बैठ के खून पीते रहेगा, उसके बाद में बहुत सारा आपका खून वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे जूता में एक छोटा सा इसमें लगा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ लीच, और एक बड़ा वाला भी है जो कि इसके अंदर से निकल रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मेरे पैर के पैर में जाने के लिए कोशिश कर रहा था जूते के अंदर से, और अभी ये ऊपर को जा रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इससे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आपको सावधानी बरतने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जब जंगल में आ रहा होगा तो आते वक्त केरोसिन जो होता है, केरोसिन अगर होता है तो थोड़े से आप अपने पैर में लगा लीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि ये जोग नहीं आता है, ये उठने के लिए उसको प्रॉब्लम हो जाता है। और हम लोग ये लोकल में क्या होता है कि जो खाते हैं तंबाकू का जो पत्ता होता है, उस पत्ते को अपने पेड़ में इसमें ऊपर में बांध लिया, सॉक्स होते हैं तो सॉक्स के अंदर में उसको इससे लगा ले, लगा के आप जाने से क्या होता है कि बहुत ही आपको कम हो जाएगा, मतलब कि आएगा ही नहीं, तो लीच उठना बहुत ही कम होगा, नामुमकिन होगा, कि जैसे ऐसे नामुमकिन तो नहीं है, मतलब मुमकिन है कि आपको 100 में से 99% आपका नहीं उठेगा, 1% तो मतलब चलते हुए उसको तो पता ही नहीं ना क्या चीज़ है तो उठ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ के लिए बी केयरफुल, बड़े वाले चीज़ के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा कि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कुछ होगा तो बड़े वाले, जो अगर साफ होता है स्नैक अगर कुछ होगा तो डंटी हमेशा आगे पकड़िए, कुछ भी चीज़ होगा तो घास ये सब कुछ भी होगा तो उसको हिला हिला कर जाइएगा, क्योंकि घास में भी अगर बैठ रहा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे ख़तरनाक तो ये लीच होता है, जिसको कहते हैं जोक होता है, ये हमेशा हर कहीं ये पाया जाता है जंगल में, यहाँ श्योर है हर कहीं में मिल जाएगा आपको, तो इसलिए बी केयरफुल ऑफ दिस जोक्स, आपको लीच फ्रॉम दिस लीच, तो इसको इग्नोर करते हुए, हमारा तो आदत हो गया तो इसको इग्नोर करते हुए हम आगे चलेंगे, थोड़ा जो रेस्ट हो गया। तो मेरा सजेशन यही है, जब भी आप सब्जी तोड़ने जाएगा तो बीच बीच जब रेस्ट करेगा तो अपना पेड़ देख लीजिएगा, पेड़ देखते हुए साफ करते आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, टिल देन टेक केयर, आगे चलिए। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा होगा व्यूवर्स, अगर आपको पता है तो इसको क्या बोलता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जो लोकल्स में मतलब जी ओन जो अपने ट्रेडिशनल में इसको क्या बोलते हैं, आपका भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग जो कोदू शायद बोलते हैं, कोदू शायद मेरे हिसाब से, कोयर तो नहीं है, कोयर इससे छोटा होता है,
तो जरूर कमेंट करके बताइएगा उसको क्या बोलते हैं। टिल देन मिलता हूँ। इस सब्जी को आप लोग क्या बोलते हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से आसामीज में शायद ढिकिया बोलते हैं, हम लोग तो इसको अपने भाषा में तकंग बोलते हैं। ये है तकंग, इसको सब्जी मीन्स ओइंग, तो तकंग ओइंग है। तो इसे आप लोगों के भाषे में क्या बोलते हैं, अपना ओन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बस यहाँ पे देखिए बहुत सारा ओइक है, इसमें जितना मैक्सिमम दिख रहा है सब ओइक है। और पिछला बार जब हम यहाँ पे आया था तो ये बहुत छोटा था। यहाँ पे देखिए गच्ची बारिश की वजह से गिर गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा निकल के बैठा है। इसको और एक आप लोग से फिर से है क्वेश्चन है कि इसे आप लोग क्या बोलते हैं, ये लोकल लैंग्वेज में है, आप लोगों के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको तो हम लोग ताहिर बोलते हो शायद, तो जरूर ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके। अभी आप लोगों को एक दिखाता हूँ कुछ चीज़। यहाँ पे बहुत प्यार से इतना बड़ा वाला तितली है कि बटरफ्लाई, एक वाइल्ड बटरफ्लाई उसको दिखाने के लिए मैंने वो कर दिया है, पत्ता साफा कर दिया है। कितना सुंदर है, ओह वाह कितना सुंदर दिखो, ब्यूटीफुल। अब और समझे झूम कर दिखाता है उसका, देखिए पंख के मुताबिक देखिए, एक लव का सिंबल हो रहा है यहाँ पे उसका पंख का डिज़ाइन में देखिए, नीचे वाले साइड से देखिए उस तरफ से छोड़े। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करके यहीं पे छोड़ देता हूँ। उठते उठते चढ़ाई भी जाना है, वो फूल वाला ही था क्या? एक बार पीछे देख लो, हम लोग एकदम नीचे से आया है, वो लास्ट वहाँ से आया है। उधर नीचे में सफेद वाला दो मिठुन भी है।